मार्केट टाइम्स टीवी के तरफ से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। घरेलू स्तर के साथ आयातित कोयले की सप्लाई प्रभावित होने से बिजली संकट का खतरा मंडराने लगा है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत स्थित कोयला कंपनियों को विस्फोटक की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पहले से विस्फोटक की कमी झेल रही कोयला कंपनियों को रूस यूक्रेन युद्ध के बाद और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई राज्यों में बिजली की घंटों तक कटौती शुरू हो चुकी है। इससे औद्योगिक उत्पादन पर भी नकारात्मक असर हो रहा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक महाराष्ट्र अपने पावर प्लांट के लिए कोयले की कमी बता रहा है। वहीं झारखंड में कोयला खनन भी प्रभावित हुआ है। गुजरात भी बिजली संकट से जूझ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बिजली की घंटों तक कटौती हो रही है। बिजली की मांग में होने वाली बढ़ोतरी को देखते हुए पावर एक्सचेंज आईएक्स में यानी कि आईईएक्स में 1 अप्रैल को बिजली की कीमत प्रति यूनिट 20 रुपए के स्तर तक पहुंच गई है। जानकारों का मानना है कि इस साल समय से पहले उत्तर भारत में गर्मी अधिक पड़ने से भी बिजली की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इस साल मार्च में बिजली की खपत पिछले साल मार्च के मुकाबले 4.6% अधिक रही है। वहीं कोयला मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने अमोनियम नाइट्रेट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विस्फोटक बनाने में अमोनियम नाइट्रेट सबसे अहम रासायनिक उत्पादन है। इसके निर्यात पर प्रतिबंध से विस्फोटक बनाने वाली कंपनियां भी प्रभावित हुई है। इस वजह से कोयला कंपनियों को विस्फोटक मिलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दुनिया भर में रूस अमोनियम नाइट्रेट का बड़ा निर्यातक है। अपने देश में हाई डेंसिटी अमोनियम नाइट्रेट के मात्र 4 निर्यातक कंपनी है। वहीं 8 निजी विस्फोटक कंपनियां एसएमई विस्फोटक की आपूर्ति कर रही है। मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोयले के सुचारू उत्पादन के लिए विस्फोटक की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने देश में अमोनियम नाइट्रेट का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाने की तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल अमोनियम नाइट्रेट का घरेलू उत्पादन कोयला खनन, गैर कोयला खनन और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विस्फोटक के निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी है। वहीं मौजूदा समय में कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL के पास विस्फोटक के लिए 12 घरेलू निजी विस्फोटक निर्यातकों के साथ नियमित अनुबंध है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची कीमतों और ऊंची संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति के चलते आयात पर निर्भरता बढ़ाने का असर बिजली की दरों पर पड़ सकता है। बीते 6 महीने के घरेलू स्तर पर कोयला आपूर्ति की स्थिति तंग बनी हुई है। ऐसे में निकट भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र की कोयला आयात पर निर्भरता भी बढ़ेगी। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।